आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध सबसे भयानक दौर में पहुंच चुका है। इतना भयानक जिसे देखकर दिल दहल जाए। बेहिसाब बारूद बरस रहा है, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, टैंक आग उगल रहे हैं। यकीन मानिए, नागोर्नो-काराबाख का मंजर रूह कपा देने वाला है, क्योंकि महाविस्फोटक हथियारों से अटैक जारी है। 300 घंटों से लगातार नरसंहार हो रहा है। 12 दिन से मचे बारूदी संग्राम ने तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब ये जंग इस्लाम बनाम ईसाइयत की होती जा रही है। एक तरफ अजरबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जो आर्मेनिया को तबाह करने पर तुले हैं, तो वहीं अब आर्मेनिया के साथ तीन ताकतवर वॉर जोन में पूरी ताकत के साथ उतरने को तैयार है। तो क्या रूस, अमेरिका और फ्रांस का जंग में आना इस्लामिक फ्रंट के लिए खतरे का सिग्नल है? क्या काराबाख की धधकती जमीन पर थर्ड वर्ल्ड वॉर कंफर्म है? आप खुद देखिए वॉर जोन से आई सबसे विस्फोटक रिपोर्ट। 300 घंटे से धरती का एक इलाका बम, गोला बारूद से थर्रा रहा है। 12 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग थमने के बजाय पहले से ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। बीते 12 दिनों से नागोर्नो-काराबाख के अखाड़े में जिस अंदाज से महायुद्ध छिड़ा है, वहां से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। यकीन मानिए, बारूदी बैटल ग्राउंड का मंजर बेहद खौफनाक और दिल दहलाने वाला है। ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें गरज रही हैं, टैंक आग उगल रहे हैं। आसमान में दहाड़ते फाइटर प्लेन ने तो मानो बारूदी बवंडर हिला दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मौजूद नागोर्नो-काराबाख का कोना कोना थर्रा उठा है, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ दो मुल्कों की अदावत से नहीं भड़की, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे मौका परस्त देशों ने इसे सुलगाने में पूरी ताकत झोंक रखी है। आखिर किस तरह तीन इस्लामिक देशों ने आर्मेनिया के खिलाफ घेरेबंदी कर रखी है? कैसे आर्मेनिया पर एक के बाद एक प्रचंड प्रहार हो रहे हैं? किस तरह तुर्की के डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया की वायुसेना को तबाह कर रहे हैं? ये बताने के लिए आपको बैटल ग्राउंड से सामने आई विस्फोटक तस्वीरें दिखाते हैं। नागोर्नो-काराबाख में रात के वक्त अपनी पोस्ट को बचाने के लिए आर्मेनिया की वायुसेना ने अजरबैजान पर हमला बोला अपने लड़ाकू विमान के जरिए। आर्मेनिया के लड़ाकू विमानों ने अजरबैजान की सेना पर मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन तुर्की के डिफेंस सिस्टम के आगे आर्मेनियाई वायुसेना के फाइटर टिक नहीं पाए। तुर्की के सॉलिड डिफेंस सिस्टम ने खूंखार अंदाज में आर्मेनिया के फाइटर्स पर हमला बोला। अटैक इतना विध्वंसक था कि पलक झपकते ही आर्मेनिया के फाइटर प्लेन जलकर राख हो गए। आर्मेनिया के खिलाफ तुर्की ने अजरबैजान को न सिर्फ हथियार मुहैया कराए, बल्कि सैन्य मदद भी की है। तुर्की की सेना अजरबैजान और सीरिया के आतंकी ब्रिगेड के साथ मिलकर आर्मेनिया की पोस्ट पर हमला बोल रही है, जिसमें आर्मेनिया के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि नागोर्नो-काराबाख में मौजूद आर्मेनिया की करीब करीब हर पोस्ट पर अजरबैजान और तुर्की की सेना ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, अब ये तीनों इस्लामिक देश आर्मेनिया के शहरी इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं। बीते 300 घंटे से 3 मुल्कों ने फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत आर्मेनिया को तहस नहस किया है। बैटल ग्राउंड से जो ताज़ा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के हमले में अब तक आर्मेनिया के 533 टैंक खाक हो चुके हैं, 498 आर्टिलरी बर्बाद हो गई, 410 आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गए, 82 एयर डिफेंस सिस्टम मिड टीम मिल गए, 530 अटैक ड्रोन खत्म हो चुके हैं, 45 हेलीकॉप्टर भी खाक किए जा चुके हैं। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि 3 इस्लामिक देशों ने आर्मेनिया के हजारों सैनिक और वहां के बाशिंदों को भी मौत के घाट उतारा है। एक आंकड़े के मुताबिक 12 दिनों से चल रहे युद्ध में आर्मेनिया के 7200 सैनिकों की मौत हो चुकी है और बात अगर आम नागरिकों की करें तो उनका आंकड़ा 4900 तक पहुंच चुका है। आर्मेनिया से सामने आई रूह कपा देने वाली इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का खून खौला दिया है। जिस तरह से नागोर्नो-काराबाख में तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का इस्लामिक गठबंधन बना है, उसे रोकने के लिए 3 मुल्क आर्मेनिया के साथ जंग के मैदान में उतरने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है अमेरिका का, फिर रूस और उसके बाद फ्रांस। जल्द ही दुनिया के ये 3 ताकतवर मुल्क अपने अपने विनाशकों के साथ बारूदी बवंडर लाएंगे। चंद घंटे बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। धरती के कोने कोने में जबरदस्त तबाही मच सकती है, कई मुल्कों का नक्शा बिगड़ सकता है, तो वहीं कुछ देश तो ऐसे होंगे जिनका वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। मतलब साफ है, 3rd वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन ऑन हो गया है। आने वाले घंटों में तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान जितना चाहे गोला बारूद बरसा लें, आर्मेनिया को तबाह करने के लिए जितना मर्जी विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अब इस जंग में 3 महाशक्तियों की एंट्री सनसनी मचा देगी और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध बेहद करीब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।